हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया था। काफ़ी लगातार मेरे पास क्वेरी आ रही है कि एसएससी सीएचएसएल 2022 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, तो इस वीडियो में डिटेल्ड स्ट्रेटेजी तो नहीं, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप नए हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है, वो क्या डिमांड करता है, ठीक है, कैसे है? आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं चल रही, कितने मार्क्स पे आप पिछली बार लोगों के टीयर वन की कट ऑफ क्लियर हो रही थी, आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या गलती फर्स्ट डे से ना करें, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, जिसमें कोर हम स्ट्रेटेजी पर ही बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इस दौरान। ठीक, तो ये वीडियो यूजफुल होगी, ये वो चीज़ें होंगी जो जनरली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। आपका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि चलो अभी तो नोटिफिकेशन निकला है, मंथ एंड में हम आराम से फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर आप कहोगे भैया 1 महीने की स्ट्रेटेजी बता दो सिलेक्शन कैसे लें, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, 2 से 2.5 महीने आपके पास हैं, 2 महीने अपने आप में ही बहुत कम पीरियड है। अगर आप बिगनर हो तो सीएचएसएल जैसे एग्जाम को क्लियर करना 2 महीने में बहुत मुश्किल रहेगा। टीयर वन इस बार क्वालिफाइंग है, टीयर टू के मार्क्स जुड़ने हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप बाउंड्री में भी टीयर वन की कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो भी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। पहले ही होता था जो टीयर वन की कट ऑफ को बाउंड्री पे क्लियर करते थे वो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते थे, इस बार पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग है और बाकी के 2 महीने और मिलेंगे टीयर टू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो आप अगर अभी से भी डेडिकेटेडली पढ़ोगे, ठीक है, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, तो चीज़ें पॉसिबल हैं गिवन योर बैकग्राउंड ठीक हो। ऐसा ना हो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आपने सोचा चलो 2 महीने में ही जितना कर सकता हूँ करूँगा और सिलेक्शन तक पहुँच जाऊँगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अनरियलिस्टिक भी होगा क्योंकि सीएचएसएल में बहुत कम वैकेंसी होती है, सीजीएल से कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको सीएचएसएल एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक, तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो फेब और मार्च में होने वाला है 2023 में, तो लगभग फेब है अगर एंड की बात करूँ मैं, पेपर होता है तो 2 महीने आप मान के चलो, उसके बाद मॉक्स वगैरह सारी चीज़ें आप देंगे तो 2 महीने, और ये मिड से भी स्टार्ट हो सकता है स्टार्टिंग में डाल दें, स्टार्टिंग में डालने के चांसेस कम है, बट मिड से भी अगर माने तो अभी पूरे पूरे 2 महीने हैं जिसे आप अच्छे से अगर यूज करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। 3 तरह की पोस्ट होती है हमारे पास, लोअर डिविजनल क्लर्क की है, जेएससी की है यहाँ पे, और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। ठीक है, इनकी सैलरी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, लगभग ग्रोस सैलरी एक्स सिटी में कितनी रहेगी, वाई सिटी में कितनी रहेगी और जेड सिटी में कितनी रहेगी। ठीक है, आप कहीं और काम करेंगे, कोई भी मिनिमम वर्क करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा बेटर सैलरी आपको गवर्नमेंट में मिलेगी सेम काम के लिए, तो डेफिनेटली और पूरी लाइफ टाइम आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मेहनत तो करनी ही है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, वैकेंसीज बताई गई हैं 4500 हैं। ठीक है, 4500 वैकेंसीज लगभग इसके आसपास ही वैकेंसी चल रही थी 2020, 2019, 2018 में, 2021 के अंदर थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसकी कट ऑफ में भी हल्का सा इंपैक्ट है, और जो टीयर वन को कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा लिए गए थे, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पैटर्न आपको बताया एग्जामिनेशन का ये रहने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन वाली वीडियो में भी बताया था, टीयर वन क्वालिफाइंग हो गया, टीयर टू इसी के बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगी, इसके साथ साथ एक स्किल टेस्ट भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइपिंग आपको अभी से सीखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप अभी टीयर वन को क्वालिफाई करने पर भी अपना 100% फोकस रखेंगे, फिर टीयर टू की बारी आएगी उसमें आप टाइपिंग भी अच्छे से सीख लेंगे और बाकी चीज़ें भी कर लेंगे, तो चीज़ें मुश्किल होंगी थोड़ी सी। ठीक है, अभी से भी आप टाइपिंग के लिए अगर आधा घंटा, ठीक है, क्योंकि सीएचएसएल में जो मैक्सिमम पोस्ट होती है हमारी लोअर डिविजनल क्लर्क जेएससी की होती है, जिसके लिए टाइपिंग स्पीड लगभग आपको 35 वर्ड पर मिनट की चाहिए होती है। ठीक है, तो आप अभी से ही अगर थोड़ा सा इसे लेके चलेंगे, दिन का आधा घंटा भी, 30 मिनट्स भी अगर आप टाइपिंग को डेली दें, जो कि आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पूरे दिन तो आप पढ़ नहीं सकते 24 घंटे, तो बीच में जब ब्रेक लोगे तो उस टाइम पर आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, टाइपिंग करना ज़्यादा आपके माइंड पे प्रेशर नहीं डालता है। ठीक है, और स्टार्टिंग के 10-15 दिन के बाद ये बहुत अच्छा भी लगने लगता है। टाइपिंग कैसे टाइपिंग सीखें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, लेकिन जो लोग सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन खत्म हो जाता है, और बहुत सारे लोग सीएचएसएल की टाइपिंग में फेल होते हैं अभी तक। तो 2021 की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी ऐसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने टीयर वन दिया, टीयर वन में अच्छे नंबर, टीयर टू दिया, टीयर टू में भी ठीक नंबर, और फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुँच जाते, लेकिन टाइपिंग की वजह से फेल हो गए। होता है क्या है ना, जैसे टाइपिंग आई उसके साथ साथ कोई और एग्जामिनेशन भी आ गया, तो लीनियंटली ले लिया, चलो कर लेंगे, 35 वर्ड पर मिनट मांगा तो 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड लेके चले गए, एग्जाम में फेल हो गए। वहाँ पे कई बार कीबोर्ड सही से काम नहीं करता, कीबोर्ड की कीज हार्ड होती है, हाथ सेट नहीं होता कभी, कई बार कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। तो 35 वर्ड पर मिनट लिखा है, लेकिन हमें टारगेट 45 वर्ड पर मिनट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, तब जाके एग्जाम में आप ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो 45 वर्ड पर मिनट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम टाइम में कर लेंगे। और जब टीयर वन आपको जब पता चलेगा टीयर वन क्वालिफाई हुआ है, उसके 10 दिन के या 20 दिन के बाद आपका टीयर टू और टाइपिंग साथ में हो रहा होगा,
तो टाइपिंग अभी से सीखना स्टार्ट करें, कम से कम आधा घंटा निकालो आप टीयर वन तक, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा निकालोगे तो आपकी टाइपिंग अच्छे से कवर हो जाएगी अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है। तो ये चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं है, ये सब इग्नोर करते हैं बाद में पछताते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ज्वाइनिंग, ये सारा प्रोसेस आपका चलने वाला है। टीयर वन की बात करूँ, चारों सेक्शन हैं, ठीक है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर में आप जितना स्कोर लाएंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। इसका मतलब किसी सेक्शन में आप कितना स्कोर करते हैं ये मैटर नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन होता है। और ये टीयर वन आपका क्वालिफाइंग इन नेचर इस बार है, ठीक। तो अभी क्या हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर वन एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है। उसके जो पेपर का लेवल हमने देखा कि पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा लो आ रहा है, ठीक, क्योंकि ये टीयर वन क्वालिफाइंग हो गया है, इस वजह से भी इस पे मुझे लगता है एसएससी ने जानबूझ के थोड़ा सा पेपर का लेवल कम रखा है। और यही चीज़ आपको सीएचएसएल में भी देखने को मिलेगी, सीएचएसएल के पेपर का लेवल भी थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में लो हो सकता है, या फिर मैं कहूँ जो अभी एसएससी सीजीएल का लेवल चल रहा है ना टीयर वन का, बिल्कुल सिमिलर लेवल आप सीएचएसएल टीयर वन में देख सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ वेटेज, सब कुछ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगी, तो वो सारी सारी चीज़ें आपको विद इन टू टू थ्री डेज बता दी जाएंगी, साथ के साथ उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो वो पेपर्स आपके लिए मस्ट रहेंगे एसएससी सीएचएसएल की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सीएचएसएल 2021 एग्जामिनेशन हुआ था, टीयर वन के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, तो वही पैटर्न आपको फॉलो करना है तैयारी के लिए, कोई अलग चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी। सीजीएल में हमने देखा कुछ इरेलीवेंट, कुछ अलग चीज़ें नहीं पूछी गई, सेम सीएचएसएल में भी होगा, ठीक है। तो आपको फोकस्ड रह के तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, रेलिवेंट चीज़ों पर भागोगे तो पछताओगे। सीएचएसएल 2020 की कट ऑफ की बात करूं अगर मैं, जिसमें हमारे पास 4791 वैकेंसी थी, इस बार 4500 बता रहे हैं, थोड़ी सी भड़बड़ा के 5000 तक पहुंची जानी चाहिए, ठीक है। तो उसमें टीयर वन को क्वालिफाई करने वाले 45429 कैंडिडेट्स थे, मतलब 9 टाइम कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली टीयर वन की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे। यही चीज़ हमने देखी किसमें, सीएचएसएल 2021 में हमारे पास वैकेंसीज थी 60972, ठीक है, 6000 के आसपास वैकेंसी टीयर वन को क्वालिफाई करने वाले थे हमारे पास 54000 एस्पिरेंट्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स। तो इस बार वैकेंसी कितनी है, 2020 के आसपास हैं, तो लगभग हो सकता है टीयर वन को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास इतने कैंडिडेट्स लगभग रहे, ठीक है। तो अब फॉर्म भरने वाले लोग तो होते हैं हमारे पास सीएचएसएल के 40 लाख के आसपास, जिसमें अपीयर भी 14-15 लाख हो जाते हैं। वहीं सीजीएल में अगर मैं बात करूं, 15 लाख में से अगर टीयर वन को क्वालिफाई करेंगे इस बार 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है मिनिमम। और अगर मैं बात करूँ सीएचएसएल में, वही चीज़ अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, वही 45,000। तो आप देखेंगे कॉम्पिटिशन सीएचएसएल में काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस बार के सीजीएल एग्जामिनेशन से, ठीक है। तो टीयर वन की कट ऑफ भी हाई जानी, सेम लेवल के पेपर पे सीजीएल जैसा पेपर आया तो कट ऑफ क्या जाएगी सीएचएसएल की, काफ़ी हाई जाएगी। टीयर वन क्वालिफाई करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होने वाला है, ठीक है। ये नहीं है कि टीयर वन तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया और चले गए और टीयर वन क्वालिफाई हो गया, नहीं, आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, यहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ दे सकते हैं, 141 नंबर थी 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 2021 के अंदर हमारे पास, क्योंकि वैकेंसीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई थी, ठीक है, पेपर का लेवल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो हमारे पास 140 नंबर कट ऑफ रही थी, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ पेपर अगर सीजीएल का आता है तो उसमें कट ऑफ कम जाती है। आगे बात करते हैं वैकेंसी जितनी देख सकते हैं पिछली बार की, इस बार की तो वैकेंसीज अभी तक आउट नहीं हुई हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं 2021 की, देखो ये हमारे पास कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी, जहां आप देखेंगे यूआर और ओबीसी की कट ऑफ लगभग क्या थी, बिल्कुल सेम थी, वो सेम चीज़ इस बार भी होने वाली है, यूआर और ओबीसी की लगभग सिमिलर सी कट ऑफ देखने को मिलेगी 2022 के अंदर भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी का जो डिफरेंस है वही मेंटेन रह सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे रो स्कोर के बेसिस पे क्या हुआ है, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ है, कि अगर किसी का क्या हो गया हार्डशिफ्ट में पेपर आ गया तो उसके मार्क्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर रो स्कोर के बेसिस पे देखें तो कट ऑफ हमारी इतनी नहीं है, 140 नहीं लाने आपको 200 में से, जो बच्चा एवरेज में 130 ला पा रहा था उसकी कट ऑफ क्या हो जा रही थी, उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से, ठीक। तो ये नंबर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर में कितने कितने नंबर लाने पे किस पर्टिकुलर शिफ्ट में बच्चों की टीयर वन की कट ऑफ क्लियर हो रही थी। जैसे कि कुछ शिफ्ट ईजी थी, कुछ शिफ्ट हार्ड थी। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आप सीएचएसएल क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो प्रीवियस ईयर का पेपर है जब मॉक फॉर्म अगर आप देंगे 1 घंटे का टाइम लिमिट में, तो आप देख सकते हैं, अगर आप मान लो आप क्या कर रहे हैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से 14 मई की शिफ्ट वन में 98.57 नंबर लेके आ रहे हैं तो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप एससी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की देख सकते हैं। ये पूरा चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जब एनालिसिस किया था उसके बाद ये सारी चीज़ें कलेक्ट की गई थी, तो उसमें बहुत टाइम लगता है चार्ट बनाने में ही, ठीक है। बट ये इसलिए बना लिया जाता है कि पिछली बार तो जो लोगों ने दिया था उनके लिए तो यूजफुल था ही, अब आप देंगे आपके लिए भी ये चार्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। बाकी की शिफ्ट ये रही, टोटल 42 शिफ्ट में पेपर पिछली बार करवाया गया था, तो इसमें आप देख लें कि शिफ्ट में कितने कितने नंबर की आपको रिक्वायरमेंट थी क्लियर करने के लिए कट ऑफ को। सिमिलर सी चीज़ें आपको इस बार भी देखने को मिल सकती हैं पेपर का लेवल पिछले साल जैसा आया तो।
देखो दोनों चीजें हैं, एक तो सीजीएल वाले बच्चे सीएचएसएल में भी बैठते हैं, तो टीयर वन की कट ऑफ को वो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स हैं, इस बार सीजीएल की तो सभी लोग तैयारी कर ही रहे हैं, टीयर टू जब सीजीएल का होगा तो सीजीएल टीयर टू के लिए अच्छे तरह प्रिपेयर रहेंगे, और वही बच्चे सीएचएसएल टीयर वन में भी अपियर हो रहे होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो सीजीएल वाले बच्चे सीएचएसएल की कट ऑफ को इस बार थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और सीएचएसएल क्वालिफाइंग है तो उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पर्टिकुलर चीज का, तो इस चीज को लेके रेडी रहे। लेकिन टीयर वन की कट ऑफ बढ़ाएंगे क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन टीयर टू में हो सकता है कि क्योंकि सीजीएल टीयर टू का जब तक एग्जाम हो चुका होगा उनका रिजल्ट आने वाला होगा, अगर सीजीएल सीएचएसएल टीयर टू से पहले सीजीएल का रिजल्ट आ गया तो, या फिर पोस्ट प्रेफरेंस से पहले सीएचएसएल की सीजीएल का रिजल्ट आ जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए एसएससी अगर ढंग से काम करेगा, तो फिर फाइनल कट ऑफ में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। फाइनल कट ऑफ हो सकता है सीएचएसएल की कम चली जाए पिछले सालों के कंपेरिजन में, इस बार तो टीयर टू का पैटर्न भी चेंज है, मतलब टीयर टू में इतना कॉम्पिटिशन सीएचएसएल में नहीं रहेगा, लेकिन टीयर वन में कॉम्पिटिशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा ड्यू टू सीजीएल। ठीक है, क्योंकि सीजीएल में अच्छी वैकेंसी है तो काफी जो अच्छे एस्पिरेंट्स है वो सीजीएल से जॉब लेके चले जाएंगे। ठीक है, वो सीएचएसएल की जॉब नहीं लेंगे उस टाइम पे, फिर चाहे अपियर हो टीयर टू में लेकिन जॉब नहीं लेंगे, तो उससे फायदा होगा सीएचएसएल एस्पिरेंट्स को। क्लियर है, तो टीयर वन में आपको अच्छा कंपटीशन सीएचएसएल में इस बार देखने को मिलेगा, इसकी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि हाँ आपको अच्छे से मेहनत करनी है। सीएचएसएल इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। सीजीएल टीयर वन जिन लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो लोग इस बार हो सकता है वो सीएचएसएल को क्वालिफाई ना कर पाए, ठीक है, अगर उन्होंने अभी मेहनत कम कर दी अपनी ये छोड़ दी। पिछले साल के जो टॉपर्स थे सीएचएसएल टीयर वन में आप देख सकते हैं इनका इसका एवरेज स्कोर कितना रहता है। मैं टॉपर्स का एवरेज स्कोर इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों का ये होता है सर जीके में 45 प्लस नंबर कैसे लाएं, जीके में 40 प्लस नंबर कैसे लाएं, जीके में 30 प्लस नंबर कैसे लाएं। आप टॉपर्स का एवरेज स्कोर देखेंगे पिछले साल का सीएचएसएल में, एवरेज में जो टॉपर्स थे टॉप 10 रैंक होल्डर्स हमारे सर्वे में वो 26 स्कोर कर रहे थे। आप देखो इनका टोटल रो स्कोर कितना बन रहा था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो इनका 180 185 ऐसा कुछ जा रहा था 200 में से, ये टॉपर्स हैं। ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ तो उनका जीके में एवरेज स्कोर सिर्फ 26 नंबर था। ठीक है, अगर मैं बाकी सेक्शंस की बात करूँ, मैथ्स में इतना क्या कहते हैं इंग्लिश में 46, मैथ रीजनिंग के अंदर 48, मैथ्स के अंदर 49.07 आउट ऑफ 700, और इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो ये तीन सेक्शंस हैं इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट जो आपको आगे लीड दिलाएंगे, जिसे आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आपके चांसेस होंगे कि आप टीयर वन क्वालिफाई कर देंगे। तीनों सेक्शंस आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं भी देखो बेयर मिनिमम चीज़ें हमें एटलीस्ट करनी होती हैं। देखो करंट अफेयर से कहाँ का पूछ ले क्या पूछ ले नहीं कह सकते, स्टैटिक वाला पोर्शन भी कुछ हद तक नहीं पूछ सकते, लेकिन जैसे कुछ हो गए डांस फॉर्म से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स है उससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो बेयर मिनिमम चीज़ें वो आपको करके जानी होती है। वो सीजीएल के लिए भी इस बार हमने यूट्यूब पे वीडियोज के थ्रू करवा दिया था, और साथ ही साथ बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस ये सब आपको करना चाहिए कम से कम जो कोर सब्जेक्ट में आपने पढ़ा। मान लो आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो कम से कम साइंस आप पढ़ के जाओ। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर साइंस के आते हैं, 5 क्वेश्चन अगर साइंस के आ गए 10 नंबर आपको मिल गए, तो जीके में 10 नंबर भी बहुत होते हैं, मतलब कम नहीं है 10 नंबर, लोगों के नेगेटिव में भी जाते हैं जीके के अंदर, तो 10 नंबर तो चलो साइंस से हो गए, बाकी कुछ एक दो सेक्शन आपने और एक्स्ट्रा कवर करे, उसके अलावा आपने करंट अफेयर्स में से कुछ दो एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 25 में से अगर आपने क्या कर दिया 12 क्वेश्चन भी सही कर दिया ना, करेक्ट अटेम्प्ट 12 भी कर दिया, तो वो भी अपने आप में अच्छा है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करें, अनरियलिस्टिक चीज़ें मत करें। ये ना सोचें कि मैं अभी 2 महीने हैं मैं इसके अंदर पूरा हिस्ट्री भी पढ़ लूंगा, पूरा ज्योग्राफी भी, पूरा इकोनॉमिक्स भी, सारे पूरा कंप्लीट जीके कर लूंगा, डेट इज नॉट पॉसिबल। और आप कर भी लोगे अगर रिवाइज नहीं कर पाए तब क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, आपने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन नहीं होंगे, तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक वाइल प्रिपेयरिंग कि 2 महीने अगर आपको टीयर वन के लिए मिल रहे हैं तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। यूट्यूब पे हमने कुछ क्रैश कोर्सेज डाले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटी का डल गया, इकोनॉमिक्स का कल से क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, आप वो सेक्शंस भी जीके के लिए टीयर वन के लिए एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। टीयर टू के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो तो आपको एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेज मिल ही रहे हैं डिटेल में, वो आप देख सकते हैं, उनकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग हर सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग कैसा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें जनरली कोई बताता नहीं है, सब कहेंगे एसएससी की सीएचएसएल की तैयारी करो, ऐसे करो, ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे तैयारी करो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए क्या टारगेट होना चाहिए माइंड में तैयारी करते टाइम, किस तरह से लोग स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, टॉपर्स कि किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, जो सिलेक्ट हो रहे हैं एस्पिरेंट्स वो किस तरीके से सोच के अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सीएचएसएल 2021 की, सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है मॉक फॉर्मेट में, जिसे आप अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ तो एप्लीकेशन पे पेड कोर्स में होती है, लेकिन आप जो ये पीडीएफ हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको इन पर्टिकुलर शिफ्ट में इतने नंबर ला रहे हो तो टीयर वन की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सारी पीडीएफ जो मैं देता हूँ वो काफी स्मार्ट पीडीएफ होते हैं, जिस भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी शिफ्ट के नाम पे क्लिक करेंगे उसी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर पे आप पहुंच जाएंगे।
एसएससी फॉर्मेट की पीडीएफ रहती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। जीके की वन लाइनर पीडीएफ, जीके की वन लाइनर इसलिए बनाते हैं, चाहे तो हम चार ऑप्शन के साथ भी बना सकते हैं, पहले बनाई भी थी काफी, बीच बीच में बनाते भी हैं, लेकिन इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको क्या करना है फटाफट से जीके में एक चीज आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपको एक रफ आइडिया लेना है कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से देख लिया, आपकी प्रैक्टिस हो गई, फटाफट से खत्म करा। एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगाओगे आप खुद रीड करोगे? तो 15 से 20 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट तो मतलब रीड करके याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको रीड ही करना है, ठीक है, रटने को मैं अभी नहीं कह रहा। हमेशा तरीका ये होता है कि हम एक बार डिटेल कोर्स से सारी की सारी चीज़ें सीख लें, उसके बाद हम इन चीज़ों पे जाएं, ठीक है। तो लेकिन इससे ये होता है प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखिए, आप पता तो चलेगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है, क्या डिमांड की जा रही है। ऐसा तो नहीं आपको जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछी ही नहीं जा रही, राइट। तो एक बार आप कुछ एक दो शिफ्ट का रीड कर लें, 25 के 25 क्वेश्चन जीके में किस तरह के से आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स आपने मान लो बेसिक किसी से पढ़ रखा है, तो 25 क्वेश्चन उठाए शिफ्ट के, ठीक है, आप देखो 25 क्वेश्चन कितने मिनट में आप कर पा रहे हैं, फिर आंसर किसे मैच करो कि आपके कितने सही हुए, ठीक है, तो आपको लेवल पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हम इस तरह की पीडीएफ पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आपको मॉक फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना हो। ये सारी फ्री पीडीएफ हैं जो मैंने बताई, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्लीट पीडीएफ भी वो सारी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टीयर टू, देखो टीयर टू में आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, सिलेबस में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा मैथ्स में ऐड हुए हैं, उसकी वीडियो यूट्यूब पे मैं डाल ही रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग आप जो टीयर वन के लिए पढ़ेंगे वैसा से ही कुछ टीयर टू में भी पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि रीजनिंग में बिल्कुल कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी आपके टीयर टू में जो आपने कभी देखी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन है आपका, इंग्लिश सेक्शन का सिलेबस और यहाँ पे फिर जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, सिलेबस वही है टीयर वन टीयर टू का, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि टीयर टू है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कुछ चीज़ें पूछ लेंगे, देखो टाइम मेन चीज़ है, टाइम हमें क्या लगता है मुश्किल पूछ लेंगे, लेकिन क्या सब लोग मुश्किल को अगर पूछ लिया तो सब लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका कंपटीशन उन लोगों से, आपको कोई ऐसा नहीं है 90 नंबर लाने या 90% नंबर लाने, जैसे होता है ना ट्वेल्थ में 95% आ गए उसके, तो 96% आ गए उसके, 97% आ गए, ठीक है, उससे मैटर ही नहीं करता आप कितने परसेंट नंबर स्कोर कर रहे हैं, ये मैटर करेगा बाकी लोगों के कंपेरिजन में कैसे कर रहे हैं। और जैसे एसएससी अब फास्ट एग्जाम करा रहा है तो होगा क्या कि पेपर का लेवल ईजी आने पर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि होता टाइम ही नहीं मिल रहा प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पहले सारी चीज़ें पता है, जो नए स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। वो कोर्स में एनरोल तो करते हैं लेकिन वो कर ही नहीं पाते कोर्स को कंप्लीट, ठीक है, वो आधी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर जो उन्हें सही से गाइड कर पाए वो लोग आगे निकल जाते हैं, जिन लोगों को सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती वो वहाँ पे अटक जाते हैं कि उनके पास है अवेलेबिलिटी सारी की सारी लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या करना चाहिए इस टाइम के दौरान, क्या ज़्यादा जरूरी है, क्या पहले कट ऑफ क्लियर करें या पहले सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करें, किस सेक्शन को कितना टाइम दें, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो डिटेल स्टडी वीडियो में मैं इन सब चीज़ों पर भी धीरे धीरे बात कर रहा हूँगा जो आपको मदद करेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझें कि आप देखें अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है, आपने एसएससी सीजीएल की अच्छे से तैयारी करी है तो सीएचएसएल के लिए कुछ नया नहीं करना आपको, ठीक है, सेम सिलेबस, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीजीएल के लिए कुछ अलग नहीं करना, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, सेम ही तरीके से आपको तैयारी करनी है दोनों एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब तो टीयर टू के मार्क्स मेन जुड़ने वाले हैं, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में, कंप्यूटर की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट हो ही गई हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ये आपका टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अभी नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, आधा घंटा देना, उससे ज़्यादा नहीं देना, कैसे सीखना है वो बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप अभी भी जो भी तैयारी लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन भी लें, हमेशा मेरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि आप टाइम वेस्ट ना करें किसी भी चीज़ पे, आप बार बार ना किसी वीडियो का वेट ना करें, किसी भी अभी से अपना एक ऐसा शेड्यूल बना लें आप कि कैसे आप अपना लिमिटेड टाइम के अंदर 2 महीने के अंदर सीएचएसएल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन प्लान, क्या होगा 2 महीने के अंदर सब कुछ निपटाना है, ठीक है, जिससे कि टीयर वन को क्वालिफाई करें। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो खास तौर पे आप इतना जरूर करके जाएं कि इन तीनों सेक्शन में ही 3 सेक्शन के 150 नंबर 130 तक इनमें ले आएँ और जीके में 15 से 20 नंबर ले आएँ तो आप टीयर वन को अच्छे से क्लियर कर पाएँ, ठीक है। सीएचएसएल टीयर वन क्लियर करना एक अच्छा टास्क रहेगा, ठीक है, टीयर वन जो लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, वो अपने आप में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है यहाँ पे लग के, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सीएचएसएल इजी होगा, ठीक है, कहीं पर कहते हैं बहुत इजी बना देते हैं कुछ लोग चीज़ों को, कुछ लोग चीज़ों को बहुत मुश्किल बना देते हैं। आई हैव टोल्ड यू द रियलिस्टिक थिंग्स की हुआ क्या है और आगे क्या हो सकता है, सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सीएचएसएल के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब देखो सीजीएल में काफ़ी सारे नए स्टूडेंट, क्योंकि पहले सीजीएल का फॉर्म भरा गया था 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरते थे जनरली अभी काफ़ी टाइम से, इस बार 34 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो नए लोग जुड़े ना सीजीएल की वजह से। अब जो लोग नए सीजीएल की वजह से जुड़े वो सीएचएसएल में भी अपीयर हो जाएंगे क्योंकि सीजीएल जैसा पैटर्न है, ठीक है। तो हो सकता है सीएचएसएल के जो फॉर्म डाले जाएं वो थोड़े से ज़्यादा डाले जाएं इस बार भी, ठीक है। तो
जम के पढ़ाई करने में लग जाओ, ठीक है, इधर उधर की बातें, इधर उधर की मोटिवेशन, वो कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है। इंस्टाग्राम की रील्स मोटिवेशन वाली या यूट्यूब की रील्स मोटिवेशन वाली, किसी भी टीचर की या मेरी या किसी की भी, वो एक टेम्प्रेरी मोटिवेशन आपको दे सकता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए क्या करना है, एक रूटीन के साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि 2 महीने के अंदर अगर आप डेली का 8 घंटे निकाल लो और सही स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करो, तो हो नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड ठीक है, आप जैसे जो लोग इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, जिन्हें बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, उनके लिए CHSL को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल रहेगा, आई कैन जेन्युइनली से डेट, ठीक है। बट जो लोग अच्छे हैं, जिनका एप्टीट्यूड ठीक है और नए भी हैं, अगर वो सही प्लान के साथ चलेंगे तो Tier 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। और CHSL Tier 1 क्वालिफाई कर दिया अगर आपने एक बार, तो 2 से 2.5 महीने के अंदर जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन होगा ना आपका, वो अच्छे से कवर किया जा सकता है अगर आप रूटीन बना के रखे आपने। और फिर एग्जाम CHSL में आप देखेंगे 45,000 Tier 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं और 4,500 वैकेंसी है, तो Tier 2 की भी कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है ये भी, ठीक है। तो हमने खुद एग्जाम निकाला हुआ बहुत कम टाइम प्रिपरेशन करके, तो ये चीज़ें पता है कि डुएबल है, लेकिन सही प्लानिंग वहाँ पे जरूरी रहेगी और एक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी छोड़ी तो सब बेकार, ठीक। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे मैं यहीं विदा लेता हूँ। बाकी आप RBI एप्लीकेशन पे बहुत सारे डिटेल्ड कोर्सेस अवेलेबल है SSC CGL CHSL एग्जामिनेशन के लिए, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।